पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन पल्लवी सिर्फ पीडीए प्रत्याशी को ही वोट करेंगी। सपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देंगी पल्लवी पटेल, बाकी दोनों प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी पल्लवी पटेल। तो ये बड़ी खबर है पल्लवी पटेल से जुड़ी हुई। वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रत्याशी को ही वोट करने को तैयार है, जहां ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा चुनावों को लेकर काफी नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा में वो नजर आई और ये माना जा रहा था कि वो वोट नहीं देंगी, लेकिन सूत्र ये बताते हैं पल्लवी पटेल पीडीए प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी दोनों प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशी को वोट देने को तैयार है। पल्लवी पटेल से जुड़ी बड़ी खबर, सपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देंगी पल्लवी, लेकिन उनका साफ कहना है, दो टूक शब्दों में यही कहना है कि वो सिर्फ एक प्रत्याशी जो कि पीडीए से ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ उनको वोट देंगी, लेकिन सपा के दोनों प्रत्याशियों को वो वोट देने के लिए मंजूर नहीं है। यूपी में राज्यसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं। पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशी को वोट देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी भी शर्त है, उन्होंने अपनी शर्त रख दी है कि वो सिर्फ पीडीए के प्रत्याशी को वोट करेंगी, बाकी दो प्रत्याशियों को वो वोट नहीं देंगी। यूपी स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, पल्लवी पटेल मान तो गई लेकिन अपनी शर्तों को भी उन्होंने रख दिया है, वो कह रही है कि सिर्फ पीडीए प्रत्याशी को वोट करेंगी, बाकी दोनों प्रत्याशियों से उनको कोई लेना देना नहीं है, ये कैसे समझा जाए? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि उनकी एक विधायक है, हालांकि उनकी अलग पार्टी है लेकिन वो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक है, और उन्होंने जो एतराज जताया था अब वो मान गई है, और वो रामजीलाल सुमन जो प्रत्याशी हैं वो उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब यह है कि पल्लवी पटेल को रामजीलाल सुमन के कोटे में समाजवादी पार्टी देगी, जिससे कि वो राज्यसभा में उनको वोट कर सके। तो जो समाजवादी पार्टी के लिए इस समय एक एक वोट की बड़ी जरूरत थी, उसके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि राज्यसभा में जो तीसरा कैंडिडेट है वो फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में अगर उनका कोई सहयोगी कोई विधायक टूटता है या नाराज होता है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने नाराजगी के बाद इस बात के संकेत दिए हैं कि वो जो पीडीए के प्रत्याशी हैं यानी कि रामजी लाल सुमन वो उनको वोट करेंगी, और दोनों जो जया बच्चन और आलोक रंजन इनको वोट नहीं करेंगी। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फायदा समाजवादी पार्टी का है, और ये कहा जाए उन्होंने पल्लवी पटेल को मना लिया है एक तरह से समाजवादी पार्टी ने कि वो उनके साथ रहे उनको वोट दे, तो ये 108 वोट समाजवादी पार्टी के पास विधायकों के हैं राज्यसभा इलेक्शन के लिए, तो कांग्रेस के मिला के 110 वोट इनके पास होते हैं। पल्लवी पटेल के रहने से कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी है उसमें जो बिखराव की बात आ रही थी अब वो भी नहीं होगी और वो मजबूत होगी और उनके विधायक फिर से इंटैक्ट होंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो रूठों को मनाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और पल्लवी पटेल पीडीए प्रत्याशी को वोट